शोएब मलिक से तलाक के बाद सानिया मिर्जा की मोहम्मद समी से होने जा रही है शादी। इस खबर ने तो तहलका मचा दिया। अब खुद सानिया मिर्जा ने इस पर बड़ा खुलासा किया है। तो मोहम्मद समी से शादी को लेकर सानिया मिर्जा ने क्या बयान दिया है, आइए चलिए दिखाते हैं सानिया मिर्जा के बयान का पूरा वीडियो। हाँ, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बीते साल सानिया मिर्जा और शोएब मलिक का तलाक हो गया। कई सालों के रिश्ते अचानक से टूट गए। सानिया मिर्जा अपने बेटे के साथ भारत लौट आईं। आपको बता दें, कुछ ही दिन पहले वो कपिल शर्मा के शो में भी नजर आई थीं, जहां पर सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल और मैरी कॉम तीनों ही एक साथ कपिल के शो में मस्ती करते हुए दिखाई दी थीं। वहां पर सानिया मिर्जा ने कई सारे बड़े खुलासे भी किए, अपने क्रश को लेकर भी बात कही। वहीं दूसरी ओर अगर मोहम्मद समी की बात करें तो उनका भी लगभग तलाक हो चुका है उनकी पत्नी हसीन जहां से। हसीन जहां ने मोहम्मद समी पर कई सारे झूठे आरोप लगाए थे, लेकिन अब तक वो आरोप साबित नहीं हो पाए हैं। मोहम्मद समी और हसीन जहां अलग अलग रहते हैं। हसीन जहां अपने बच्चे के साथ रहती है। मोहम्मद समी अपने बच्चे को चाहते तो हैं, पर वो उनसे मिल नहीं पाते। अब सोशल मीडिया पर ये खबर फैली है कि मोहम्मद समी और सानिया मिर्जा की शादी होने जा रही है। खबरें ये हैं कि दोनों ही तलाकशुदा जल्द ही शादी के बंधन में बंध जाएंगे। जब सानिया मिर्जा से उनकी मोहम्मद समी के शादी के बारे में सवाल किया गया, तब सानिया मिर्जा ने बड़ा ही हैरान करने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा, मोहम्मद समी एक बहुत अच्छे इंसान है, एक बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। उन्होंने भारतीय टीम के लिए बहुत कुछ किया है। ऐसा इंसान एक अच्छी लाइफ डिजर्व करता है। उनकी पत्नी ने उनके साथ गलत किया है। वो डेफिनेटली एक अच्छा पार्टनर डिजर्व करते हैं। लेकिन आप लोग जिस तरीके से रूमर फैला रहे हैं, जिस तरीके से एक दूसरे की शादी करा रहे हैं, ये बिल्कुल भी गलत है। मैं अभी सिंगल हूँ और आगे भी सिंगल ही रहूँगी। आप लोग इस तरीके की अफवाह ना फैलाएं। मैंने तो अब तक मोहम्मद समी से मुलाकात भी नहीं की है, और किसी इंसान से बिना मुलाकात किए उससे शादी कैसे हो सकती है। यही सब कारणों के चलते मैं कभी जल्दी सोशल मीडिया पर नहीं जाती हूँ। मैं चाहूंगी कि आप लोग भी ये अफवाह ना फैलाएं, और लोगों से अपील करती हूँ कि ऐसी अफवाह पर ध्यान न दें। दोस्तों, सानिया मिर्जा ने तो साफ साफ कह दिया है कि मोहम्मद समी से उनकी शादी नहीं होने वाली है। हालांकि जिस तरीके से बड़े खुलासे हो रहे हैं, उसके बाद तो खबरों का बाजार गर्म है कि जल्द ही ये दोनों एक हो सकते हैं। हालांकि इस मामले पर सानिया मिर्जा के पिता का भी बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि आप लोग झूठ मूठ की खबरें ना फैलाएं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मोहम्मद समी और सानिया मिर्जा को शादी कर लेनी चाहिए या नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।